किसी भी पुराने सिक्के से वशीकरण करें, किसी भी स्त्री को अपने प्यार में दीवाना बनाएं, एक सिक्के की मदद से आप इस टोटके को कर सकते हैं। आज के समय में सिक्का 1 रुपया, 2 रुपया, 50 पैसा या 10 रुपया का सिक्का है। आज से पहले कौड़ी चलती थी और 1-2 चलती थी। दोस्तों, 10 पैसा, 5 पैसा भी चलता था। अगर आपको जितना पुराना पैसा मिल जाए, 10 पैसा, 20 पैसा या 5 पैसा मिल जाए या 4 आना मिल जाए, उसी टुकड़े के ऊपर आपको ये करना है। क्योंकि टुकड़ा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अब चलता ही नहीं, तो एक टुकड़ा है वो। अगर चल रहा होता तो आज के समय में वो पैसा होता या रुपया होता। तो उस टुकड़े के ऊपर आपको इस वशीकरण को करना है, जिससे आपका प्यार आपके वश में हो जाए। इसमें आपको कोई भी मंत्र उच्चारण नहीं करने। माता रानी की कृपा रही, आज का आज ही जिस दिन करेंगे, आज करें, अभी करें, आपको असर उसी समय से नज़र आएगा। दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी के काम हुए हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लगातार हमारे वीडियो आप देखते हैं। आपका बहुत दिल से धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो घरेलू तंत्र विद्या चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपनी तरफ से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जान लीजिए कि आप इस वशीकरण को जो करेंगे तो कैसे करेंगे। इसमें आपको एक सिक्के की मदद लेनी है। इस सिक्के के ऊपर आपको सिर्फ ये शब्द लिखना है और 1043 बार आपको अपने पार्टनर का नाम जपना है इसी शब्द के साथ ही साथ। यही छोटा सा शब्द है, ये कोई मंत्र नहीं है। और बहुत बड़ा ये एक शब्द है, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका प्यार आपके वश में हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो समझ में नहीं आता है, एक बार वीडियो को और देखिएगा, आपके समझ में ज़रूर आएगा। अब इस सिक्के को उठाइए और उसके दरवाज़े पर ले जा कर के गाड़ दीजिए, उसकी चौखट पे ले जा कर के गाड़ दीजिए, ज़मीन में अंदर दबा दीजिए और चले आइए। अपने घर में बैठकर अब आप फिर से अपने हाथों, खाली हाथ के ऊपर, जो आपका सीधा खाली हाथ है, उस हाथ को देखते जाइए और उसका नाम लेते जाइए और यही शब्द बोलते जाइए जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। अब आप इस हाथ को अपने मुंह पर, शरीर पर, अपने तकिया और बिस्तर के ऊपर फेर के चुपचाप सो जाइए। दोस्तों 1 से 2 दिनों में वो आपके बिस्तर पर आ जाएगा, आपके साथ संबंध बनाएगा, आपके साथ रहने के लिए मजबूर हो जाएगा, आपसे हमेशा प्यार करेगा। इस टोटके को, इस उपाय को शादीशुदा लोग ही करें तो बहुत अच्छा होगा। यदि आप शादी करना चाहते हैं किसी से, प्रेम विवाह, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं। आपको आज्ञा नहीं दी जाएगी। अगर आप नेक काम के लिए करना चाहते हैं, किसी अच्छे काम के लिए करना चाहते हैं, अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विवाह शादी करना चाहते हैं, तो ही आपको ये आज्ञा दी जा रही है करने के लिए। एक मर्तबे इस काम को कर लेंगे, जन्म भर के लिए आपका प्यार आपके वश में हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहें, इसका लाभ उठाना चाहें, तो एक आपको हमारे चैनल घरेलू तंत्र विद्या को सब्सक्राइब करना है, एक लाइक भी करना है, बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए और बिना कमेंट किए हुए इस उपाय को ना करें। और किसी को वशीकरण की सामग्री चाहिए, खिलाने पिलाने वाली या फ़ोटो पर डालने वाली, हमारे यहाँ से वो ले सकता है। हमारा नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में